हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग गुड। सो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। अब देखो, मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। पहले क्या हुआ करता था, अगर इलेक्शंस देने होते थे, वोट्स देने होते थे, इलेक्शंस जब होते थे, तब पहले पेपर पे जाकर के नेम लिख करके उसको एक बॉक्स रखा होता था, उसमें रखना होता था, मतलब उस चिट को उस बॉक्स में डालना होता था। मतलब आप जाओ और जो भी कैंडिडेट इलेक्शंस में खड़े हुए हैं और पेपर पर उनका नेम लिखो, वहाँ पर ऐसे पूरी टीम होती थी और चिट्स बना करके उन बॉक्स में डालने होते थे, और फिर जो भी कैंडिडेट की काउंटिंग सबसे ज़्यादा होती थी तो वही उसमें विनर होता था। ओके, अब इसमें घपला होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते थे। उसके बाद इंट्रोड्यूस हुआ हमारा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, जो बहुत ही इजी है, बहुत कम टाइम कंज्यूम करता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा कम, और इससे काम भी बिल्कुल परफेक्टली होता है। मतलब घपला शायद ही होता होगा, क्योंकि काउंटिंग पूरी हमारी कंप्यूटर स्क्रीनिंग से हो जाती है। ऑलराइट, चलो। सो व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस? सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्शंस की नीड एक्चुअली हमारे इंडिया में है क्यों। सो इलेक्शंस टेक प्लेस रेगुलरली इन एनी डेमोक्रेसी। सो इलेक्शंस जो है, कोई भी कंट्री की डेमोक्रेसी हो, सब में रेगुलरली इलेक्शंस तो होते ही हैं। अब ये डिपेंड करता है कि वहाँ की डेमोक्रेसी कैसी है, कि वहाँ की सेक्युलर डेमोक्रेसी है, या फिर केवल जो मिनिस्टर होते हैं उन्हीं का इलेक्शंस होता है, या फिर जो कॉमन मैन है उसको भी राइट होता है वोट देने का। ये डिपेंड्स करता है कंट्री टू कंट्री। ओके, सो देर आर मोर देन 100 कंट्रीज इन द वर्ल्ड इन विच इलेक्शंस टेक प्लेस टू चूज पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स। सो 100 से ज़्यादा ऐसी कंट्रीज हैं हमारे पूरे वर्ल्ड में जहाँ पर हमारे मतलब कॉमन मैन के लिए रिप्रेजेंटेटिव चुनने के लिए इलेक्शंस को किया जाता है, कंडक्ट किए जाते हैं इलेक्शंस। द मैकेनिज्म बाय विच पीपल कैन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एट रेगुलर इंटरवल्स एंड चेंज देम व्हेनेवर दे वांट टू इज कॉल्ड एन इलेक्शन। सो इलेक्शंस क्या होते हैं, अब देखो यहाँ पर आपको डेफिनेशन लिखने के लिए भी 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज इलेक्शन। सो एक ऐसा मैकेनिज्म है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर लोग जो हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज कर सकते हैं अपने ही अकॉर्डिंग, और उनको जब चाहें चेंज, मतलब इंटरवल्स में चेंज कर सकते हैं। जैसे हमारे इंडिया में हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं, तो वैसे ही इंटरवल्स में अपने रिप्रेजेंटेटिव को चेंज भी कर सकते हैं। कि भाई अगर 100 पीपल किसी विलेज में रहते हैं, तो वहाँ पर उन 100 पीपल को लीड कौन करेगा, तो उसके लिए वो 100 पीपल ही चूज़ करेंगे कि कौन वहाँ पर लीडर होगा। सो इस तरीके से लोगों का खुद का रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा, वो लोग खुद ही चूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्शन। ओके, सो इन एन इलेक्शन द वोटर्स मेक मैनी चॉइसेस। सो जब इलेक्शंस होते हैं तो वोटर्स कैन मेक मैनी चॉइसेस। वो क्या, दे कैन चूज हु विल मेक लॉज फॉर देम। वो चूज कर सकते हैं कि उनके लिए लॉ कौन बनाएगा। दे कैन चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजंस। वो चूज कर सकते हैं कि कौन गवर्नमेंट को फॉर्म करेगा और कौन मेजर डिसीजंस लेगा कंट्री के। दे कैन चूज द पार्टी हुज पॉलिसीज विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग। वो उस पार्टी को चूज कर सकते हैं जो लोगों को गाइड करे कि कैसे गवर्नमेंट चलती है, कैसे गवर्नमेंट में काम होता है, या कौन से लॉज होते हैं, उन लॉ को कैसे बनाया जाता है, वो सब कुछ। ओके, सो एक्सप्लेन द नीड ऑफ इलेक्शन। ये भी 1 मार्क में आ सकता है या फिर 2 मार्क्स में भी आ सकता है क्वेश्चन। सो आपको ये पॉइंट्स उसमें लिखने होंगे। ओके, सो व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। सो क्या है ऐसा इलेक्शन में जो उसको डेमोक्रेटिक बनाती है। ऑलराइट, सो मिनिमम कंडीशंस ऑफ अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन इंक्लूड द फॉलोइंग पॉइंट्स। एवरीवन शुड बी एबल टू चूज देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो राइट भी है कि एवरीबडी हैज राइट टू वोट, ओके, अबव 18 ईयर्स ओल्ड। सो सबको राइट होना चाहिए, और सब एवरीवन शुड बी एबल टू चूज देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव। सबको ये होना चाहिए कि हम हमारा रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे अब क्लास में मैं आपको एग्जांपल लेती हूँ, जैसे हमारे टाइम पर होता था, ये आप लोगों के साथ भी होता होगा, स्कूल में जो आपकी क्लास टीचर होती है, ओके, क्लास में एक मॉनिटर बनाना होता है, तो मैडम या तो खुद से मॉनिटर बना दे, या फिर क्लास में ही 3-4 बच्चों को, वह 3-4 स्टूडेंट्स को वहाँ खड़ा कर दे और बोले कि अब तुम्हें चूज करना है, तुम बताओ जिसके सबसे ज़्यादा हैंड रेज होंगे वही इनमें से मॉनिटर बनेगा, होता है ना। तो बस वही वाला सीन है सेम इलेक्शंस में भी।
Parties and candidates should be free to contest elections and should offer some real choice to the voters. So, जो parties participate करती हैं elections में, जो parties खड़ी होती हैं, वो parties या जो भी candidates खड़े होते हैं, वो free होने चाहिए किसके लिए? कि वो elections के लिए किसी को अपना promotion कर सके या कुछ offer दे सके कि रियल चॉइस, मतलब कि लोगों को भी रियल चॉइस मिलनी चाहिए कि हाँ भाई इतने इतने लोग हैं, इतनी इतनी पार्टीज खड़ी हुई है, तो आपको हक है पूरा ये चूज करने के लिए कि आप जो है कौन से लीडर को अपने लिए चूज करना चाहते हो. इलेक्शंस मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी फ्यू ईयर्स. और ऑफकोर्स जैसे हर 5 years में इलेक्शंस होते ही हैं, तो होने भी चाहिए, मतलब रेगुलर इंटरवल में इलेक्शंस कंडक्ट होने ही चाहिए. ओके, द कैंडिडेट प्रीफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड. और जो लोगों के द्वारा चुना जाए उसी को इलेक्टेड माना जाना चाहिए, वही चूज होना चाहिए. इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर वेयर पीपल कैन चूज एज दे रियली विश. सो इसके अंदर कोई अंदर घपला नहीं होना चाहिए, जो इंसान चाहता है अपनी विश से, ऐसा नहीं कि तुम डर धमका कर या फिर यहाँ पे गन पॉइंट पर किसी को भेज रहे हो कि तुम वोट मुझे ही करके आना वरना तो उड़ा देंगे तुम्हें. तो वैसे तो डिजिटल में तो पता भी नहीं चलता कि आप किसको वोट करके आए हो, बट स्टिल आपके ऊपर इतना थ्रेटनिंग या प्रेशर नहीं होना चाहिए किसी भी इंसान पर कि किसी के दबाव में वो वोट करके आए. एवरीबडी हैज टू बी फ्री कि जो उसकी विश हो वो उसी को वोट जा करके दे. ओके, सो द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्री एंड फेयर इलेक्शन, सो यू कैन राइट दिस डेफिनेशन. ओके, 1 mark क्वेश्चन. Is it good to have political competition? क्या ये सही है कि हम पॉलिटिक्स में इतना कॉम्पिटिशन रखते हैं, इतने सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो क्या ये सही है? देखते हैं. Elections are all about political competition. So of course elections होंगे तो उसमें political competition ही होगा, एक जीतेगा तो एक ऑफकोर्स हारेगा ही सही. This competition takes various forms. क्या forms हो सकते हैं? At the constituency level, it takes the form of competition among several candidates. So, ये वो competition होता है जो several candidates के बीच में होता है. Constitutes के according इसमें rules सारे follow होते हैं. Here are a few reasons that support political competition as being good for people. तो अभी हम कुछ reasons पढ़ते हैं जिससे कि ये proof होगा कि ये जो elections होते हैं, जो political competitions होते हैं, वो जरूरी होते हैं लोगों के लिए. ओके, रेगुलर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन प्रोवाइड्स इंसेंटिव्स टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स. सो जो रेगुलर इलेक्टोरल ये इलेक्शंस होते हैं, जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, वो इंसेंटिव्स प्रोवाइड करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को और लीडर्स को. पॉलिटिकल पार्टीज नो दैट इफ दे रेज इश्यूज दैट पीपल वॉन्ट टू बी रेज, their popularity and chances of victory will increase in the next elections. On the contrary, if they fail to satisfy the voters with their work, they will not be able to win again. Okay, so ये बिल्कुल सीधी सी बात है. देखो, अब आपने बहुत सारे प्रॉमिस कर दिए कि हम यहाँ बिजली पूरे 24 घंटे आएगी, पानी 24 घंटे आएगा, ये सब कुछ आपने बोल दिया, ठीक है, और आप इलेक्शंस के लिए कैंडिडेट बन गए, पार्टिसिपेट कर गए, आप खड़े हो गए, आप लोगों ने आपके ऊपर ट्रस्ट करके आपको वोट भी दे दिया. ऑल राइट, अब क्या हुआ, कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप उस सीट पर बैठे रहेंगे, लेकिन इलेक्शंस तो फिर से होंगे. जब अगर आपने उन प्रॉमिसेस को फुलफिल नहीं किया तो पीपल विल नॉट चूज यू अगेन. ऑल राइट, और अगर आपने उनके प्रॉमिसेस को पूरे तरीके से फुलफिल कर दिया तो दे कैन चूज यू अगेन एज देयर लीडर. सो इट डिपेंड करता है कैंडिडेट के ऊपर कि वो अपने प्रॉमिसेस को कितने रियल वे में फुलफिल कर पाते हैं. ओके, सो ये लोगों के लिए तो फायदा ही है. If a political party is motivated only by the desire to be in power, despite that, it will be forced to serve the people. और अगर कोई political party है जो केवल मतलब power के लिए desire है, या फिर उनको बस ये चाहिए कि मुझे तो power चाहिए लेकिन मैं काम नहीं करूँगा, so despite that, it will be forced to serve the people. तो ये एक लोगों के लिए force serve करता है कि नहीं इसको ही बनाना है, इसको power चाहिए, तो वो डिपेंड करता है. तो फिर आप ज़्यादा दिन तक, ज़्यादा सालों तक सर्वाइव नहीं कर सकते हो.
सो व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन. सो हमारे यहाँ क्या सिस्टम है इलेक्शंस का वो देखते हैं. सो इलेक्शंस आर हेल्ड इन इंडिया इन लोकसभा एंड विधानसभा असेंबली रेगुलरली आफ्टर एवरी 5 years. सो वी रियली नो दिस थिंग कि वी हैव टू काइंड ऑफ सभा, लोकसभा एंड विधानसभा, और एवरी 5 years में हमारे यहाँ पर इलेक्शंस होते हैं. एवरी 5 years द टर्म of all the elected representatives comes to an end. और हर 5 साल में जितने भी representatives होते हैं वो सब साथ में end में आते हैं ताकि उनमें से फिर हम वापस से choose कर सकें. Okay? Elections held in all constituencies at the same time, either on the same day or within a few days, is called a general election. So, अभी जो elections होते हैं अब वो सब जगह पर साथ में ही होंगे. ऐसा नहीं है कि राजस्थान में आज हो गया, उसके बाद मध्य प्रदेश में अगले महीने या 2 महीने बाद हो रहा है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में 6 महीने बाद हो रहा है. नहीं, या तो सेम डे पर होता है या फिर विद इन द 1 or 2 days गैप में इलेक्शंस होते हैं. Sometimes elections are held only for one constituency to fill the vacancy caused by the death or resignation of a member. This is called a by-election. अब देखो exceptions होते हैं कि अगर मान लो all of sudden किसी candidate की death हो जाती है जो already leader था, या फिर वो resign कर देता है अपनी post से, so all of sudden elections को conduct किया जाता है, उसे बोलते हैं by-election. Okay? So, यहाँ पर क्वेश्चन में आया why does the by election occur और why? So, you can write this answer. All right? India is divided into different areas for the purpose of elections. These areas are called electoral constituencies. Okay? So, हमारा जो इंडिया है अलग अलग एरियाज में डिवाइडेड है जहां पर elections होते हैं और उसको electoral constituencies बोलते हैं. The voters living in an area elect one representative. और वो जो वोटर्स हैं वो उसी एरिया में रहते हैं जहाँ पर उसे अपना रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करना है, चूज करना है. ऑल राइट, मतलब ऐसा नहीं है कि आप रहते तो कोटा में हो और आपको वोट करना है जयपुर के लिए, या फिर आप रहते तो दिल्ली में हो या आपको वोट करना है मुंबई के लिए. नो, इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन. आप जहाँ रहते हो वहीं पर ही आपका रिप्रेजेंटेटिव चूज किया जाएगा. सो उसके अलग अलग साइकिल्स होते हैं, अलग अलग हायरार्की होती है, लाइक पार्षद होता है, फिर उसके ऊपर कोई और होता है, फिर ऐसे PM करके सेंट्रल में होता है, फिर स्टेट में होता है, ऐसे बहुत सारे हायरार्की होते हैं. Now, electoral constituency हम पढ़ लेते हैं. So, for Lok Sabha elections, India is divided into 543 constituencies. The representative elected from each constituency is called a member of parliament or MP. So, member of parliament or an MP, 543 constituencies में divided है हमारे पूरे इंडिया में जो लोकसभा के elections होते हैं. Each state is divided into a specific number of assembly constituencies. और हर state की assembly constituencies की अपनी division है. In this case, the elected representative is called the member of legislative assembly or an MLA. नाम सुना होगा आपने. आज आपको full form पता चल जाएगा कि वो हमारे area का MLA है. So, member of legislative assembly या फिर उसको बोलते हैं MLA. ठीक है? So, each parliamentary constituency has within it several assembly constituencies. So, ऐसे हर parliament की, हर constituency की अलग-अलग assemblies, constituencies होती है, हर state-wise होती है, state में भी उसके अपने-अपने assemblies के division होते हैं, right? चलो, आगे, so question बन सकता है, into how many constituencies is the country divided for Lok Sabha elections? Okay, the same principle applies for panchayat and municipal elections. तो ये तो हमने बात करी state level पर, और ये same चीज़ apply होती है panchayat और municipal elections में भी. Each village or town is divided into several wards. Wards होते हैं ना, that are like constituencies. So जैसे constituencies होती हैं अलग अलग, वैसे ही wards बना दिए जाते हैं villages में और town में. Each ward elects one member of the village और द अर्बन लोकल बॉडी. तो किसी भी विलेज या अर्बन लोकल बॉडी है तो वहाँ पर एक वार्ड को यानी कि एक इंसान को इलेक्ट किया जाता है. समटाइम्स दीज कॉन्स्टिट्यूटनेंसीज आर काउंटेड एज सीट्स.
फॉर ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी रिप्रेजेंट्स वन सीट इन द असेंबली. सो हम नॉर्मल लैंग्वेज में इसको सीट्स भी बोलते हैं कि भाई ये सीट पर ये है, इतनी सीट्स हैं और इतनी सीट्स पर कितने आए, ये सब हम नॉर्मल लैंग्वेज में इसको ऐसे बोलते हैं. हाउ आर कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिवाइडेड एट द लोकल लेवल? सो विलेज में, अर्बन एरियाज, लोकल अर्बन एरियाज में या फिर टाउन्स में किस तरीके से डिवाइडेड है? सो यू कैन राइट दिस, दिस क्वेश्चन कैन कम इन 2 marks. नाउ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज, जो रिजर्व होती हैं उनके बारे में पढ़ते हैं. सम कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर रिजर्व फॉर पीपल हु बिलोंग टू द स्केड्यूल्ड कास्ट SC and scheduled tribes ST. So SC ST के लिए ये reserved होते हैं. In the Lok Sabha, 84 seats are reserved for the SC and the 47 for ST. ये किस लिए है? जो representatives बनने वाले हैं. So reservation system पता है आप लोगों को, reservation system चलता है caste wise. So वहाँ पर SC और ST के लिए 84 seats जो हैं reserved हैं SC के लिए और 47 seats reserved हैं ST के लिए. ये मतलब पहले से ही फिक्स होता है. इन ऐसे रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी ओनली समवन हु बिलोंग्स टू द स्केड्यूल्ड कास्ट कैन स्टैंड फॉर इलेक्शन. सो इस रिजर्व्ड वाली कंडीशन में क्या होता है कि वही इंसान इलेक्ट मतलब इलेक्शंस में अब पार्टिसिपेट कर सकता है, कैंडिडेट खड़ा हो सकता है जो उस कास्ट से SC से बिलोंग करता है. सो क्वेश्चन अराइजेस हियर, हाउ हैज द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्ड दैट द वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी आल्सो गेट रिप्रेजेंटेशन इन द पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज? सो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनडायरेक्टली पूछा जाता है एंड 2 marks में पूछा जा सकता है. ऑलराइट, सो इसका आंसर आपने देख लिया. Only those belonging to the scheduled tribes can contest an election from the constituency reserved for ST. So, ऐसे लोग जो belong करते हैं scheduled tribe से only वही contest कर सकते हैं elections में for reserved ST department के लिए. In many states, seats in rural panchayat and urban municipalities and corporations, local bodies are now reserved for other backward classes, OBC and women candidates as well. So, बहुत सारे states में या फिर पंचायत वगैरह में या फिर urban municipalities और corporations system जहाँ चलता है वहाँ पर OBC and women candidates भी अब division में आ चुके हैं, उनके लिए भी seats available हैं. Alright, now voters list. In a democratic election, the list of those who are eligible to vote is prepared much before the election and given to the everyone, which is officially called the electoral roll and is commonly known as the voters list. So, अब देखो इसको ध्यान से समझना. So, जो democratic elections होते हैं, so the list of those who are eligible to vote is prepared much before the election and give to everyone. So, ये जो लिस्ट होती है वो पहले से ही बन जाती है. भाई आपके घर पे सर्वे करने आते हैं कि आपके घर में कितने लोग रहते हैं, सबकी एज ग्रुप क्या है, सब कुछ पूछते हैं. तो ये लिस्ट जो है वो पहले ही बन जाती है और जो जो वोट देने के लिए एबल है, जो वोट दे सकता है उनको वो लिस्ट दे दी जाती है. पर्ची आती है ना आपके घर पे, मम्मी पापा वोट देने जाते होंगे तो वो पहले से ये काम सब कर दिया जाता है और इसको इलेक्टोरल रोल या वोटर्स लिस्ट हम बोलते हैं. It is the responsibility of the government to get the names of all eligible voters put on the voters list. So, अब उनके पास भी एक लिस्ट होती है, ठीक है, जो वोट लेने वाले हैं वहाँ पे जो लोग बैठे हैं उनके पास ये लिस्ट होती है. तो ये गवर्नमेंट की ड्यूटी होती है कि उनके पास उन सारे लोगों की लिस्ट हो जो लोग वोट दे सकते हैं. ऑल राइट, सो वॉट इज द वोटर्स लिस्ट? बहुत ईजी पीजी सा क्वेश्चन है, यू कैन राइट इट ईजीली. The voters are required to carry election photo identity card EPIC when they go out to vote so that no one can vote for someone else. अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो पर्ची आपको मिली है या वोटर आईडी जो है आपके पास, वो आपको लेके जाना कंपलसरी होता है ताकि आपका वोट कोई और ना दे सके. But the card is not yet compulsory for voting as voters can show many other proofs of identity like the ration card or the driving license. So, जरूरी नहीं है कि आप केवल वो EPIC ही लेकर के जाओ, आप अपना कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ लेकर के जा सकते हो और उसके थ्रू आप वोट दे सकते हो. जैसे अब आधार कार्ड चलता है, सो आधार कार्ड लेकर के जाकर भी आप वोट दे सकते हैं. ऑलराइट, व्हाट इज द फोटो आइडेंटिटी कार्ड सिस्टम? दैट इज दिस.
Now, nomination of candidates. So, anyone who can be a voter can also become a candidate in elections. Of course, ये important point है कि जो भी इंसान vote दे सकता है, वो candidate भी बन सकता है. Alright, the candidate should be a minimum of 25 years age. जो भी elections में खड़ा होना चाहता है, उसकी minimum age 25 होनी चाहिए. Every person who wishes to contest an election has to fill out a nomination form and give some money as a security deposit. So, जैसे मान लो आज आपने सोच लिया कि यार मुझे तो पॉलिटिक्स में जाना है. So, what will you do? So, आपको वो नॉमिनेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा और सिक्योरिटी डिपॉजिट कुछ करनी पड़ती है अमाउंट गवर्नमेंट को, जो आप एज अ कैंडिडेट अगर आप इलेक्शंस लड़ना चाहते हो तो वो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी ही होती है. द कैंडिडेट हैज़ टू मेक अ लीगल डिक्लेरेशन गिविंग फुल डिटेल्स ऑफ. सो लीगल डिक्लेरेशन होना चाहिए उसका और फुल डिटेल्स चाहिए. सीरियस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट, कोई सीरियस क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए. डिटेल्स ऑफ द एसेट्स एंड एबिलिटीज ऑफ द कैंडिडेट एंड ब्लिस ऑफ हर लाइफ. सो पूरी आपकी जन्म कुंडली निकाल लेते हैं वो लोग कि ये सारी चीज़ें प्रूफ लेकर आओ, तभी आप इलेक्शंस में खड़े हो सकते हो. तो आपकी जितनी भी एसेट्स हैं, जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं, मतलब जितना भी आपके पास है लाइफ में, वो सब बता दो. अपनी फैमिली, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इंफॉर्मेशन इज मेड अवेलेबल टू द पब्लिक सो दैट वोटर्स कैन मेक देयर डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट्स. सो ये इसीलिए कलेक्ट किया जाता है ताकि लोगों को आपके बारे में बताया जा सके कि यार ये तो बिल्कुल साफ सुथरा इंसान है, इसने आज तक कोई क्राइम नहीं किया है, कोई केस पेंडिंग नहीं है, इसकी फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छी है, इसके पास इतने एसेट्स इतनी लाइबिलिटीज हैं, इसकी फैमिली में ये लोग हैं, तो अच्छा ये कैंडिडेट अच्छा है नहीं है. सो वोटर्स कैन चूज अकॉर्डिंग टू देयर प्रेजेंस ऑफ माइंड. ओके, नाउ इलेक्शन कैंपियन. सो द इलेक्शन कैंपियंस आर कंडक्टेड टू हैव अ फ्री एंड ओपन डिस्कशन अबाउट हु इज अ बेटर रिप्रेजेंटेटिव एंड इन टर्न विच पार्टी विल मेक अ बेटर गवर्नमेंट. सो इलेक्शन कैंपियंस क्या होते हैं? जो कंडक्टेड टू हैव अ फ्री एंड ओपन डिस्कशन अबाउट हु इज बेटर रिप्रेजेंटेटिव. सो ओपन एंड फ्री डिस्कशन होते हैं कि भाई कौन अच्छा रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है एंड विच पार्टी विल मेक अ बेटर गवर्नमेंट. तो ये कौन अच्छी गवर्नमेंट बना सकती है कौन सी पार्टीज मिलके. इन इंडिया इलेक्शन कैंपेन्स टेक प्लेस फॉर अ 2 week पीरियड बिटवीन द अनाउंसमेंट ऑफ द फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स एंड द डेट ऑफ पोलिंग. सो यहाँ पर 2 weeks का पीरियड लेते हैं जब ये डिस्कशन चलता है और ये अनाउंस किया जाता है फाइनल लिस्ट कैंडिडेट्स की और डेट ऑफ पोलिंग की, क्योंकि गवर्नमेंट भी तो देखेगी कि अच्छा 100 लोगों ने वो विश लिस्ट भर दी है कि अच्छा अच्छा ये लोग कैंडिडेट्स जो हैं आना चाहते हैं, तो लेकिन उनका सब कुछ देखेंगे, रिकॉर्ड्स देखेंगे, तभी तो जाके वो अनाउंसमेंट करते हैं, उसकी लिस्ट बनाते हैं, देन पोलिंग डेट भी उसके बाद में ही अनाउंस की जाती है. ड्यूरिंग दिस पीरियड द कैंडिडेट्स कॉन्टैक्ट देयर वोटर्स, पॉलिटिकल लीडर्स एड्रेस इलेक्शन मीटिंग्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज मोबिलाइज देयर सपोर्टर्स. सो अब उनके सपोर्टर्स को मोबिलाइज किया जाता है. सो इस ड्यूरेशन में जो कैंडिडेट्स होते हैं वो उनके वोटर्स को, पॉलिटिकल लीडर्स को, सबको एड्रेस कर सकते हैं और सबको ऐसे जाते हैं ना भाई वोट दे देना हमें, तो वो वाला सीन. ओके, सम ऑफ द सक्सेसफुल स्लोगन्स गिवन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन वेरियस इलेक्शंस. सो बहुत सारे स्लोगन्स मिलते हैं, जीत गया भाई, जीत गया, जीतना था क्या, ऐसे बहुत सारे स्लोगन जो है, बहुत सारी रैलीज निकलती है. सो सेव डेमोक्रेसी, लैंड टू द टिलर, प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुज. सो ऐसे बहुत सारे स्लोगन्स वो अपने रैलीज में निकालते हैं और लोगों को पहुंचाते हैं. अकॉर्डिंग टू इंडियाज इलेक्शंस लॉ, नो पार्टी और कैंडिडेट कैन ब्राइब और थ्रेटन वोटर्स. सो अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि कोई भी भाई ब्राइब रिश्वत नहीं दे सकता है, ना ही किसी को धमकी दे सकता है. अपील टू देम इन द नेम ऑफ कास्ट और रिलीजियन, या फिर ऐसा नहीं बोल सकता यार चल मैं तो हिंदू हूँ तुझे तो हिंदू को ही वोट देना चाहिए. नो, यू कांट डू दैट. ओके, यूज गवर्नमेंट रिसोर्सेज फॉर इलेक्शन कैंपियन, गवर्नमेंट रिसोर्सेज का बिल्कुल यूज नहीं कर सकते हैं. स्पेंड मोर देन 25 lakh इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर अ लोकसभा इलेक्शन और 10 lakh इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी इन असेंबली इलेक्शन. सो 25 lakh से ज़्यादा स्पेंड नहीं कर सकते हैं एंड फॉर लोकसभा एंड 10 lakh से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं फॉर असेंबली इलेक्शंस. ठीक है, मतलब इनसे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हो अपने प्रमोशन या अपना जो भी कुछ कर रहे हो उससे ज़्यादा आप नहीं लगा सकते.
If any political party does so, their election can be rejected by the court. और अगर कोई भी political party से ज़्यादा या इन सारे rules को नहीं follow करती है तो court उनका जो election है वो reject भी कर सकती है. In addition to the laws, all the political parties in our country have agreed to a model code of conduct for election campaign. So, एक model code of conduct होता है जिसको agree करना होता है, एक agreement आप बोल सकते हो. So, according to this, no party or candidate can use any place of worship for election propaganda. So, जो भी ये promotions होते हैं या जो भी उनको करना है उसके लिए कोई भी religion place को वो लोग use नहीं कर सकते हैं. Use government vehicles, aircraft and officials फॉर elections. कोई भी गवर्नमेंट के व्हीकल या फिर एयरक्राफ्ट या फिर ऑफिशियल्स कोई भी यूज नहीं कर सकते हैं. वंस elections आर अनाउंस्ड, मिनिस्टर शैल नॉट ले फाउंडेशन stones ऑफ एनी projects, टेक एनी बिग पॉलिसी decisions और मेक एनी promises ऑफ प्रोवाइडिंग पब्लिक facilities. तो जब तक कि इलेक्शंस के अनाउंसमेंट नहीं आ जाते तब तक मिनिस्टर्स जो हैं वो फाउंडेशन स्टोन्स ऑफ एनी प्रोजेक्ट्स, किसी भी प्रोजेक्ट्स के कोई ऑन रनिंग है तो उसको पूरा करने का, या ऐसे कोई फॉल्स प्रोमिसेस जनता को नहीं कर सकते हैं. ओके, नाउ पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स. द डे व्हेन द वोटर्स कास्ट और पोल देयर वोटर्स इज कॉल्ड द इलेक्शन डे. द वोटिंग इज डन इन द फॉलोइंग मैनर. सो जिस दिन वोटर्स जो हैं अपना पोल देते हैं, अपना वोट डालते हैं, उसको इलेक्शन डे बोलते हैं. और जो वोटिंग है वो इस तरीके से होती है. एवरी पर्सन हुज नेम इज ऑन द वोटर्स लिस्ट कैन गो टू द नियर बाय पोलिंग बूथ. आपके घर के 1 किलोमीटर के अंदर रेडियस में ही पोलिंग बूथ होता है, आप वहाँ अपनी आइडेंटिटी लेकर के जाओ, मतलब प्रूफ आइडेंटिटी लेकर के जाओ और आप वोट दे सकते हैं. Once the voter goes inside the booth, the election officials identify her, put her mark on her finger and allow her to cast her vote. So, फिर वो अंदर जब जाता है तो उनके फिंगर पर एक मार्क लगाया जाता है, उनकी आइडेंटिटी प्रूफ की जाती है, मतलब मैच की जाती है एंड वो जाकर के फिर वो वोट दे सकता है. ओके, सो वेयर इज पोलिंग बूथ लोकेटेड ऑन इलेक्शन डे? नियर बाय योर हाउस. ऑलराइट, द डे व्हेन द वोटर्स कास्ट और पोल देयर वोट्स इज कॉल्ड द इलेक्शन डे. द वोटिंग इज डन इन द फॉलोइंग मैनर. ओके, आगे पढ़ते हैं. एन एजेंट ऑफ ईच कैंडिडेट इज अलाउड टू सिट इनसाइड द पोलिंग बूथ एंड एंश्योर दैट द वोटिंग टेक्स प्लेस इन अ फेयर वे. और हर एजेंट, मतलब एक कैंडिडेट, ईच कैंडिडेट का एक एजेंट अंदर होता है ताकि ये पता चल सके कि अंदर कोई घपला नहीं हो रहा है, सही तरीके से सब लोग वोट डाल रहे हैं. अ बैलेट पेपर इज अ शीट ऑफ पेपर ऑन विच द नेम्स ऑफ द contesting candidates along with party names symbols are listed. The ballot paper was used earlier. So, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ऐसे ballot paper जो है वो पहले हुआ करता था जिस पर कि नाम लिख करके और फिर चिट्स डालने होते थे. Nowadays, electronic voting machines EVM are used to record votes. ऐसी एक मशीन होती है, बस आपको इस पर टच करना होता है जिसको भी आपको वोट देना है और आपका वोट सबमिट हो जाता है. तो पहले ये सिस्टम चलता था, अब तो इलेक्ट्रॉनिक हो गया है. ओके, नाउ व्हाट इज एन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन? ये सबको पता है आजकल. ऑलराइट, द मशीन शोज द नेम्स ऑफ द कैंडिडेट्स एंड द पार्टी सिंबल्स. द वोटर हैज टू जस्ट प्रेस द बटन अगेंस्ट द नेम ऑफ द कैंडिडेट शी वांट्स टू गिव हर वोट टू. वंस द पोलिंग इज ओवर ऑल द ईवीएम्स आर सील्ड एंड टेकन टू अ सिक्योर प्लेस. सो इस तरीके से आप वहां पर बस प्रेस करके वोट दे सकते हो और जब पूरी पोलिंग खत्म हो जाती है तब उसको ईवीएम्स को जो है सील्ड कर दिया जाता है और एक सिक्योर प्लेस पर काउंटिंग के लिए लेके जाया जाता है. अ फ्यू डेज लेटर ऑल द ईवीएम्स आर ओपन एंड द वोट सिक्योर्ड बाय ईच कैंडिडेट आर काउंटेड. द कैंडिडेट्स हु सिक्योर्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंसी इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड. सो जो भी अब जब उनको अनसील किया जाता है कुछ दिनों के बाद, जब काउंटिंग होती है, जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स होते हैं, मतलब जिसके सबसे ज़्यादा वोट्स होते हैं, वही विनर घोषित कर दिया जाता है. ओके, सो नाउ व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक? सो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन. इन इंडिया इलेक्शंस आर कंडक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन, ईसी के द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं. द चीफ इलेक्शन कमीशन CEC इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया.
इंडिया के जो प्रेसिडेंट होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, वही चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा सबसे बड़ी पोस्ट जो है वो प्रेसिडेंट की ही होती है। इलेक्शन कमीशन इज इंडिपेंडेंट एंड हैज अ वाइड रेंज ऑफ पावर्स विच आर। अब एक ईसी की क्या क्या पावर्स होती हैं वो हम देखते हैं। हु इज द हेड ऑफ द इलेक्शन कमीशन? ठीक है, ईसी टेक्स डिसीजन ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ कंडक्ट एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस फ्रॉम द अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शंस टू डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स। सो जो ईसी होता है वो डिसीजन लेता है हर एस्पेक्ट में देख करके, और कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस रहता है और वही जो है सारे रिजल्ट्स को डिक्लेयर करता है। इट इम्प्लीमेंट्स द कोड ऑफ कंडक्ट एंड पनिशेज एनी कैंडिडेट और पार्टी दैट वायलेट्स इट। जो कोई भी माय पर वायलेंस करता है, कोई भी हिंसा करता है, तो वो ये इम्प्लीमेंट करता है कि कोड ऑफ कंडक्ट एंड पनिश, उसको पनिशमेंट दी जाए, और कोड ऑफ कंडक्ट के अकॉर्डिंग उसको ऊपर कोई धारा जो लगती है वो सेक्शन किसी के भी अकॉर्डिंग उसके ऊपर अप्लाई की जाए। ओके, ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड द ईसी कैन ऑर्डर द गवर्नमेंट टू फॉलो सम गाइडलाइंस टू प्रिवेंट द यूज एंड मिसयूज ऑफ गवर्नमेंटल पावर टू एनहेंस इट्स चांसेस टू विन इलेक्शंस और टू ट्रांसफर सम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। सो जब इलेक्शंस का पीरियड होता है तो ईसी जो है ऐसे ऑर्डर जारी कर सकता है गवर्नमेंट के थ्रू, जिससे कि गवर्नमेंट के कोई भी चीज़ों को यूज ना किया जा सके या मिसयूज नहीं किया जा सके, और इससे जो है इनहेंस भी ना हो, ताकि कोई पार्टी को ये लगे कि नहीं यार यहाँ पर तो पार्शियलिटी हुई है या इसने थोड़ा सा कवरेज लिया है, तो ऐसे वो रूल्स कुछ गाइडलाइंस को जारी करता है। When on election duty, government officers work under the control of the EC and not the government. And when on election duty, जब election duty होती है तो government officers जो हैं किसके under काम करते हैं? EC के under काम करते हैं, ना कि government के अंदर, क्योंकि government के अंदर तो उन parties के लोग होते हैं, तो सभी जो voting election duty पर होते हैं वो EC के under काम करते हैं। ये important point था। All right, now पॉपुलर पार्टिसिपेटेशन। सो द क्वालिटी ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस कैन ऑल्सो बी चेक्ड बाय सीइंग द पार्टिसिपेटेशन ऑफ पीपल। सो जो क्वालिटी है इलेक्शन प्रोसेस की वो चेक की जा सकती है, देखी जा सकती है कि भाई कौन पार्टिसिपेट कर रहा है। पीपल्स पार्टिसिपेटेशन इन द इलेक्शन इज मेजर्ड बाय वोटर टर्न आउट फिगर्स। सो यहाँ पर जो पीपल का पार्टिसिपेटेशन होता है वो कैसे बताया जा सकता है? अपने फिंगर को दिखाकर कि भाई हाँ मैंने वोट दे दिया। टर्न आउट इंडिकेट्स द परसेंट ऑफ एलिजिबल वोटर्स हु एक्चुअली कास्ट देयर वोट। सो ये टर्न आउट निकल के आता है कैंडिडेट्स का कि किस किस ने वोट दे दिया है। इन इंडिया द पुअर इलिटरेट एंड अंडर प्रिविलेज्ड पीपल वोट इन लार्जर प्रपोर्शन एज कम्पेयर टू द रिच एंड प्रिविलेज्ड सेक्शंस। कितनी दुख की बात है, जो एजुकेटेड लोग हैं, जो प्रिविलेज्ड लोग हैं, जो रिच लोग हैं, वो वोट्स देना ज़रूरी नहीं समझते हैं, जबकि जो पुअर इलिटरेट और अंडर प्रिविलेज्ड हैं वो लोग ज़्यादा वोट देते हैं। गलत बात है, सबको वोट देना चाहिए। Common people in India feel that through elections they can bring pressure on political parties to adopt policies and programs favorable to them. और common लोग जो हैं इंडिया में वो ऐसे सोचते हैं कि वो अपना अगर वोट देंगे तो वो political parties पर pressure बना सकते हैं कि उनकी जो programs हैं, जो facilities हैं, उनको complete किया जाए, उनके favor में किया जाए। The interest of voters in election related activities has been increasing over the years. Yes. कुछ सालों से जब से वोट का वैल्यू पता चला है तो इनकी जो इंक्रीमेंट है, मतलब जो इंक्रीज हुआ है डेटा, वो कुछ सालों में ही इंक्रीज हुआ है। नाउ एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम। वन फाइनल टेस्ट ऑफ द फ्री एंड फेयरनेस ऑफ द इलेक्शन इज द आउटकम ऑफ द इलेक्शन। सो एक फाइनल टेस्ट ऑफ द फ्री एंड फेयरनेस ऑफ द इलेक्शन इज द आउटकम ऑफ द इलेक्शन होता है। कैसे? The ruling parties routinely lose elections in India both at the national and state level. So, जो ruling parties होती हैं, मतलब जो already politics में हैं, so वो अगर routine में ही elections lose करती हैं India both at the national and state level पर, so in the US an incumbent or sitting elected representative rarely loses an election. In India, about half of the sitting MPs or MLAs lose elections. So, US में क्या होता है? जो incumbent sitting है, मतलब जो पहले से है elected representative, वो rarely ही lose करते हैं, क्योंकि वहाँ पर
लोगों में इतना ज़्यादा अवेयरनेस होता है इस चीज़ को लेकर के, और इंडिया में जो है आधे ही ऐसे होते हैं जो MPs और MLAs जो हैं वो लूज़ करते हैं, बाकी तो सभी इलेक्शंस को लूज़ कर सकते हैं, हार सकते हैं, मतलब कोई भी हार सकता है। नाउ कैंडिडेट्स हुम आर नोन टू हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग वोट्स एंड दोज विद नोन क्रिमिनल कनेक्शंस ऑफन लूज इलेक्शंस। जो लोग वोट्स को खरीदते बेचते हैं तो वो लोग क्रिमिनल कनेक्शंस के साथ में ही ये काम करते हैं, तो वो अधिकतर वोट्स मतलब इलेक्शंस हार जाते हैं। बैरिंग एवरी फ्यू डिस्प्यूटेड इलेक्शंस द इलेक्ट्रल आउटकम्स आर यूजुअली एक्सेप्टेड एज पीपल्स वर्डिक्ट बाय द डिफीटेड पार्टी। सो अब क्या होता है, सो बैरिंग वेरी फ्यू डिस्प्यूटेड इलेक्शंस द इलेक्ट्रल आउटकम्स आर यूजुअली एक्सेप्टेड एज पीपल्स वर्डिक्ट बाय द डिफीटेड पार्टी। सो जो डिफीटेड पार्टी होती है सो वो लोगों की एक्सेप्टेंस के थ्रू ही मिलती है कि हाँ अगर ये हारा है तो ये डिजर्व करता है आना, ऐसा नहीं है कि किसी ने प्रेशर बनाया है वोटर्स के ऊपर। ओके, नाउ चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। इलेक्शंस इन इंडिया आर एसेंशियली फ्री एंड फेयर, समटाइम्स दिस मे नॉट बी ट्रू और एवरी कॉन्स्टिट्यूंसी। सो इलेक्शंस जो हैं इंडिया में एसेंशियली फ्री एंड फेयर होते हैं, बट समटाइम्स ये सच नहीं भी होता है, मतलब हमेशा ज़रूरी नहीं कि फेयर ही हो। देर आर मैनी लिमिटेशंस एंड चैलेंजेस टू इंडिया इलेक्शंस, दीज इंक्लूड। तो ऐसे बहुत सारे लिमिटेशंस एंड चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं जिसमें हैं कैंडिडेट्स एंड पार्टीज विद अ लॉट ऑफ मनी इन्जॉय अ बिग एंड अनफेयर एडवांटेज ओवर स्मॉलर पार्टीज। तो जो कैंडिडेट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा मनी को इन्जॉय कर सकते हैं, अनफेयर एडवांटेज ले सकते हैं ओवर स्मॉलर पार्टीज, स्मॉलर पार्टीज के साथ में मिल करके। कैंडिडेट्स विद क्रिमिनल कनेक्शंस हैव बीन एबल टू पुश अदर्स आउट ऑफ द इलेक्टोरल रेस एंड सिक्योर अ टिकट फ्रॉम मेजर पार्टीज। तो ऐसे भी कैंडिडेट्स होते हैं जिनका क्रिमिनल कनेक्शन कनेक्टर्स के साथ में कनेक्शन होता है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं पार्टीज़ में आने के लिए, मेजर पार्टीज़ का सपोर्ट लेने के लिए इलेक्शंस में खड़े हो जाते हैं। टिकट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू रिलेटिव्स फ्रॉम देयर फैमिलीज। और ऐसे भी होता है कि कई बार जो मान लो किसी ने कोई क्राइम कर दिया तो उनकी फैमिली से ही किसी को इलेक्शंस में जाने के लिए बोल दिया जाएगा। Elections offer little choice to ordinary citizens as major parties are quite similar to each other both in policies and practice. So elections जो होते हैं वो मतलब वो offer करता है little choice to ordinary citizens, या तो आम आदमी के लिए या फिर major parties को, तो वो similar ही होता है सबके एक दूसरे के लिए, लेकिन both in policies and practice. So policies and practice दोनों के लिए same ही होती है। Smaller parties and independent candidates suffer a huge disadvantage compared to bigger parties. वो तो है ही सही, जो smaller parties होगी उनको independent candidates जो होंगे उनको ज़्यादा suffer करना पड़ता है ये disadvantage का, जबकि bigger parties तो बड़े से मज़े से छापती हैं। Right? So this was the chapter that we have seen. Last point not that much important, but yet this was the part of the chapter, that's why I have taken that. So I hope ये chapter lengthy है undoubtedly, but easy है at the same time. Okay? तो आपको points remind करने हैं कि क्या क्या points है, कैसे election पूरा process होता है, and आप इस chapter को अच्छे से समझ सकते हैं। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है इस chapter में जिसको समझने में आपको problem हो। Okay? So keep learning students. Bye bye, thank you.